डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ क्विज खेलने वाले हैं। आइए, हिंदी का क्विज है, आइए खेलिए हमारे साथ। मनुष्य शब्द का विशेषण क्या है? तो मनुष्य का से विशेषण जो बनेगा वो होगा मनुष्यता। पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसमें भाववाचक संज्ञा बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो होगा आपका ऊंचाई, ऊंचा से बना वर्ड ऊंचाई। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। रवि, दिवाकर और भास्कर, ये सारे सूरज के पर्यायवाची हैं। यहां पर ये जो वर्ड है सुधाकर, ये अलग है। करोगे वैसा भरोगे, यहां पर आपको प्रॉपर सर्वनाम डालना है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा करोगे? जैसा करोगे वैसा भरोगे। 9-2-11 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9-2-11 होने का सही अर्थ है भाग जाना। मैं, हम, तुम, वे, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सारे सर्वनाम के उदाहरण है, ये संज्ञा के बदले आते हैं। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं? तो अपने लिए जो है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हम कल ही नया टेलीविजन लाए हैं, इस वाक्य में विशेष्य, विशेष्य जो होता है वो विशेषण की विशेषता बतलाता है, तो नया जो है वो विशेषण है। नया क्या है? तो टेलीविजन, वो है विशेष्य। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कहते हैं। उपकार का विलोम क्या है? उपकार मतलब किसी का भला करना, अपकार, अपकार मतलब किसी का बुरा करना। सम्मुख का विलोम पहचानिए। सम्मुख का विलोम होता है विमुख, सम्मुख मतलब होता है सामने। हाँ, विमुख स्थावर का विलोम, स्थावर मतलब जो रुका हुआ हो, उसका विलोम होता है जंगम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। जैसे कश्मीरी सेब सुंदरी का रंग लाल होता है, यहां पर प्रविशेषण जो है वो है लाल। फूल का पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची है सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है, उपरोक्त सभी। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हथिनी। अंग अंग मुस्काना, इस मुहावरे का सही अर्थ है खुश होना। वीर का भाववाचक बताइए, तो वीर का भाववाचक होगा वीरता। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं?
तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण है सुंदर। सुंदर, फ्रॉक कैसी है तो सुंदर है। भाग्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो भाग्य का पर्यायवाची होता है किस्मत और प्रारब्ध। लिंग परिवर्तन कीजिए, आदमी का स्त्रीलिंग औरत, औरत। लड़का का लड़की, बच्चा का बच्ची, पुरुष का स्त्री। तत्सम होगा तो तत्सम बोलेंगे, तद्भव होगा तो तद्भव शब्द में जवाब देंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ये वाला स्पेलिंग सही है। बकरी घास खाती है, बकरी स्त्रीलिंग है। मौन का विलोम होता है मुखर, मुखर मतलब जो बोले। कुछ ईमान का भाववाचक, ईमान का भाववाचक होगा ईमानदारी, ऑनेस्टी। आकाश का विपरीतार्थक, आकाश का विपरीतार्थक पाताल। पीयूष मतलब होता है अमृत, वाचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला, और अंबर मतलब भी आसमान। हमको यहाँ विपरीतार्थक चाहिए जो कि होगा पाताल। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, और जो एक्शन डिनोट करे वो क्रिया, जैसे हम लोग अभी खेल रहे हैं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, एक्शन वर्ड डालना है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य। हमारा अभी का क्विज यही था, थैंक यू।